बॉलीवुड के सबसे चहेते एक्टर ऋषि कपूर अपने बर्थडे के दिन ही गुस्से में लाल पीले होते हुए नजर आए। जी हाँ, हाल ही में वो अपना 67वां जन्मदिन मना रहे थे। इस बीच वो अपनी पत्नी संग एक डिनर डेट के लिए एक होटल गए, जहां पर गंदे डिनर की वजह से उनका मूड पूरा स्पॉइल हो गया और उनकी शाम खराब हो गई। जी हाँ, ऋषि कपूर पत्नी संग बर्थडे डिनर डेट के लिए न्यूयॉर्क के पॉश रेस्तरां में गए, जहां के खराब खाने से ऋषि कपूर काफी गुस्सा हो गए और उन्होंने इस बात का जिक्र सोशल मीडिया पर किया, जहां पर उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए अपना दर्द बयां किया, या यूं कहे कि अपना गुस्सा जाहिर किया। जी हाँ दोस्तों, ऋषि कपूर ने लिखा, नीतू संग डेनियल ब्लूट्स फ्लैगशिप रेस्टोरेंट में बर्थडे डिनर निराशाजनक, ओवररेटेड और बहुत महंगा और एरोगेंट। मैं इसको बिल्कुल भी सिफारिश नहीं करूँगा। जी हाँ दोस्तों, जहाँ एक तरफ ऋषि कपूर अपनी बात बड़े ही बेबाकी से रखने के लिए जाने जाते हैं, तो वहीं इस बात का जिक्र भी उन्होंने बड़े ही बेबाकी तरीके से रखा और उस होटल के बारे में बताया कि वो होटल बहुत ही महंगा और खाना भी इतना अच्छा नहीं था। इस बात से ऋषि कपूर काफ़ी नाराज और गुस्से में नजर आए। ऋषि कपूर, नीति कपूर और अनुपम खेर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में ऋषि कपूर पत्नी संग टैक्सी राइड में मजा लेते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया में ये वीडियो छाया हुआ है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ऋषि कपूर जल्द ही भारत लौटने वाले हैं। अभी हाल ही में खबर आई थी कि वो जल्द लौटेंगे, लेकिन फिलहाल अभी वो वहीं हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि वो भारत कब लौटेंगे। हालांकि ऋषि कपूर खुद भी भारत आना चाहते हैं। बॉलीवुड की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से। ज्योति की रिपोर्ट।